सोलन के विधायक एवं पूर्व सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने मंगलवार को सोलन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सेरी व वार्ड नंबर 7 में 2 रास्तों का उद्घाटन भी किया, साथ ही शहर के चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था भी देखी। व्यवस्था देखने के बाद कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि युवाओं के लिए यहां पर ओपन एयर जिम खोला जाएगा। इसके लिए उन्होंने 4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि शहर के पार्कों की व्यवस्था सुधारी जाएगी और विभिन्न वार्डों में जहां पर भी सरकारी जमीन उपलब्ध है वहां पर बच्चों के लिए पार्क बनाए जाएंगे ताकि वे वहां पर खेल सकें और विभिन्न व्यायाम कर सकें। स्मार्ट लेकर आए हैं आपके लिए विंटर धमाका। हमारे यहां पर उपलब्ध हर ब्रांड उत्पादों पर 40% की आकर्षक छूट। एक ही छत के नीचे पाइए अपने घर का हर सामान। आज ही पधारे स्मार्ट राजगढ़ रोड सोलन। आज का जो ये यहाँ पे आने का कार्यक्रम था वो बेसिकली ये देखना था कि किस प्रकार से हमारी सोलन की बाल रोड यहाँ की समस्याएं और ख़ासकर जो चलने का छोटा सा पैदल बनाया, कोशिश की आधे तक, वो कहाँ पे रुका पड़ा है, नालियों का ढकना और फिर यहाँ अपने टॉयलेट को देखते वक्त यहाँ की स्वच्छता, यहाँ के कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था देखते हुए हम चिल्ड्रन पार्क में आए हैं। जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ कि विकास कोई एक व्यक्ति या एक ही किसी नगर की जो हमारी कमेटी है उसका या किसी एक ग्रुप का या विचारधारा का काम नहीं है, सभी का काम है और ये जिम्मेवारी हम सबको शोल्डर करनी चाहिए। मैंने देखा कि हम सबसे पहले अगर ध्यान से देखें जो एक कूड़ा प्रबंधन है, लगभग दो तीन हफ्ते पहले मैं आया था और फॉरेस्ट रोड तरफ गया था, मेरे साथ आई रिमेम्बर मनोज थे, हम खड़े हुए एक जगह क्योंकि वहाँ कोई भी उस पूरे क्षेत्र में किसी प्रकार के कूड़े भी का प्रबंधन नहीं था, तो एक जगह ढेर था और हम वहाँ खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। एज ए रिजल्ट इट वॉज रियली वेरी बैड, स्टिंकिंग वेरी बैडली। और उन्होंने कहा कि सर यहाँ से जल्दी से, उससे अंदाज़ा लग सकता है कि अगर कूड़ा प्रबंधन ठीक से ना किया जाए, हर कहीं हम कूड़ा डाल देंगे, तो हम ये तो कह रहे हैं कि भाई हम कूड़ादान फ्री करना चाहते हैं, इस वक्त उससे मुक्त करना चाहते हैं सोलन को, परंतु कूड़ा हर जगह ना मिले उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया है। एज ए रिज़ल्ट ये सब चीज़ें जो हैं ये इस तरफ हमारा ध्यान और ज़्यादा जाना है और इसका हमें हल ढूंढना है ताकि माल रोड पे ही अगर आपको प्लास्टिक मिले, फेंका हुआ कूड़ा मिले तो जो हम तो हमें तो बुरा लगेगा, हम सब सोलन वासी हैं, परंतु तो जो बाहर से भी लोग आएंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा। नालियों के ढकने का काम बहुत ही पुराना एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी तक पूरा नहीं हो सका। मेरा मानना है कि इसमें हमारी कमेटी को इमीडिएट हिदायतें दी जाएंगी कि इसे पूरा किया जाए क्योंकि इस पर फुल बजट दिया गया था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ऐसे ही आप देखते हैं और भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो, मैं तो कहता हूँ कि अभी तक यहाँ तक कि हमारा जो शमशान घाट था चंबा घाट में, उसमें भी मैंने 60 लाख का प्रोविजन किया था, स्पेशल फंडिंग की गई थी। आई स्टिल रिमेम्बर माई सेक्रेटरी श्रीमती अनुराधा ठाकुर डिड इट, और उसके बावजूद भी अभी पूरा नहीं हुआ वो काम। वहाँ से चलने का पता था हमारा 70 लाख का जो अनुमानित लाभ होती। एनी वर्क व्हेन इट स्टार्ट इट इज़ गिवन एन एस्टिमेट, उसको से आप देखते हैं चंबा घाट का अभी तक सर्किट हाउस पूरा नहीं हुआ, परंतु हमारी अभी चलो सैनिक रेस्ट हाउस तो काम निर्माणाधीन है, हो जाएगा समय में। इसलिए मेरा मानना है कि हम सब लोगों को सिर्फ ये नहीं सोचते रहना चाहिए इसका क्रेडिट किसको जाएगा, ये क्रेडिट कौन ले जाएगा, ये क्रेडिट के बारे में ही सोचना मैं समझता हूँ हम चुने नेताओं का, चुने प्रतिनिधियों का और सभी लोगों का काम ठीक नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि सोलन एक प्रवेश द्वार है, सोलन एक ऐसी इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ से बाहर का आदमी भी आएगा और बहुत से लोग लाइक करते हैं इस जगह। मैंने बात कही अभी तो अपने विधानसभा सत्र में कि और जगह में एशिया में 5 से 6% हमारे नगरों की आबादी बढ़ रही है, एक सिर्फ सोलन शहर है जिसमें सालाना 12% की वृद्धि हो रही है, तो ये इसका मतलब जाहिर करता है कि इट इज़ ए पॉपुलर डेस्टिनेशन। देखिए इसका मतलब यहाँ की सुविधाएँ
यहाँ की जो जितनी भी समस्याएं हैं उसको तो ज़्यादा ध्यान देना होगा, अधोसंरचना को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये स्पेशल मेंशन के नीचे, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के नीचे सोलन को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव डाला, जो कि मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का। उन्होंने माना और कहा कि देखिए, जिस वक्त हमारी 38,000 के आसपास थी, पहली बार दो बार ये प्रस्ताव गया, मैं मंत्री था स्वयं और यही ये पेपर बने भी थे, लेकिन क्योंकि हमारे को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, हमारी 8 पंचायतों का नहीं मिल पाया और हमारी जनसंख्या का नॉर्म भी लगभग पूरा नहीं था। आज जनसंख्या एज पर रिकॉर्ड 60,000 से ऊपर है, पर मेरा मानना कि इससे भी कहीं ज़्यादा है और अब हमारे को अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र दें ना दें, और मेरा तो मानना है कि वो स्वयं भी मिलना चाहेंगे, क्योंकि जब हमारा नगर निगम बन जाता है तो यहाँ के पार्क, यहाँ के जिसके लिए देखो आज हम प्रयास कर रहे हैं, बच्चों के लिए चलने का रास्ते, यहाँ पे छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पे अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, सभी चीज़ें बढ़ेंगी और बहुत गुना ज़्यादा धन हमें मिलेगा। ये इसके पीछे आशय है, इसके पीछे कोई क्रेडिट या डिसक्रेडिट की बात नहीं है। ये जब भी बने हम सरकार का धन्यवाद करेंगे और मेरा मानना है कि जैसे मुझे संकेत मिले कि ये शीघ्र ही बन जाए। अब आते हैं इस चिल्ड्रन पार्क की ओर। चिल्ड्रन पार्क को कई बार देखा जा चुका है, यहाँ पे जितनी भी हमारी पहली सुविधाएं थी, अच्छी बात थी कि हमारे ब्रिगेडियर मोहन साहब और उनके परिवार वालों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा दी, दान की, परंतु ये खंडित और बुरी अवस्था में है जिसका ठीक होना बहुत अनिवार्य है। हमने अपने जगनों में रोहतज को काम दिया कि ये विद इन दिस वीक उनसे लोगों से संपर्क करेंगे और यदि दोबारा इसको दान देना चाहें उस प्रतिमा को उनकी ओर से ही इसको लगा दिया जाएगा। यदि किसी प्रकार से नहीं भी पॉसिबल है तो हम स्वयं इस प्रतिमा को लेंगे, इसको रिपेयर प्रॉपर दूसरी अच्छी बनाएंगे। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं और एक मैं समझता हूँ आधुनिक भारत के निर्माता हैं, और इतने बड़े जब लीडर के लिए हम कोई सम्मान देना चाहें, उनकी प्रतिमा देना चाहें, वो सुंदर होनी चाहिए। इट शुड गिव अस ही हैज मेड इंडिया प्राउड, मैं समझता हूँ न केवल देश में बल्कि पूरे संसार में उनका नाम है, वो प्रतिमा ठीक होनी चाहिए। उसके अलावा जो यहाँ पे वृक्ष पौधारोपण की बात कही गई, बिल्कुल ठीक आया, शायद इस पर लोगों ने सवाल भी उठाए हैं कि नहीं कुछ हुआ, तो जब भी यहाँ पे पौधारोपण होगा तो ये सबसे पहले प्रायोरिटी भी इसको हरा भरा बना दिया जाएगा। इससे पहले हम यहाँ का जो जितनी अधोसंरचना है, जितने भी यहाँ की चीज़ें हैं, यहाँ के हमारे सिटी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनको ये काम दिया गया है, इन्होंने वेरियस अपने लोगों से बातें की हैं जो यहाँ के लिए ठीक तरीके से ग्राउंड बनाएंगे और ये ओपन जिम के रूप में बनेगा। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे पूरी आकलन करने के बाद अंदाज़ा लगाया कि जिस चीज़ें पेंट होंगी, कुछ रिपेयर होंगी और कुछ चीज़ें नहीं लगेंगी ओपन जिम के लिए, उसके लिए मैं 4 लाख रुपये देने की घोषणा करता हूँ और वो शीघ्रातिशीघ्र बेसिस पे आएंगे और ये पार्क जो है सुंदर बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे अच्छा निर्माण हो, अच्छी सुरक्षा हो, हमारे बच्चे यहाँ पे सुरक्षित महसूस करें, यहाँ पे किसी भी प्रकार की ऐसी मुसीबतें ना हो कि हमारे बच्चे जो है वो नशे की ओर जाएं। ये भी इसके लिए भी मेरे पास बहुत सी रिपोर्ट्स आती रहती हैं और हमें गाहे बगाहे आई रिमेम्बर और SP अंजुम आरा वेंशीवज है, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऐसे दल बांटे थे एंड शी रियली वाज वेरी इफेक्टिव लेडी पुलिस, पर शी डिड मार्वेलस जॉब और बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अंकुश लगा। यहाँ तक कि इसी पार्क में मेरे पास खबरें आती थी कि भाई वो यहाँ पे भी लोग जो है ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, कभी कुछ एक मदिरा सेवन करते हैं और कुछ एक लड़कियों को भी शरारतें करते हैं। उसने बहुत अच्छा काम किया इस दिशा में, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट हर रियली। और मैं समझता हूँ इसी प्रकार से हमारे पुलिस दूसरे अधिकारी काम कर रहे हैं, वो भी कभी प्लेन क्लोज मैन के रूप में आते हैं ताकि देखें कोई ऐसी हरकत ना हो। ये बहुत जरूरी चीज़ है, हमारे शहर ऐसा हो कि दूसरी बार आना पसंद करें लोग, ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई उल्टे सीधे हम रिसीव कमेंट दें और बच्चे को काम करने वाली हमारी महिला शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उनको यहाँ महसूस हो कि हमारा अपना घर है, रात को भी जा सकते हैं। आई टेल यू आई रिसेंटली मंथ बैक वाज इन दुबई, वहाँ रात को भी लोग चलते हैं, वहाँ कुछ किसी वक्त भी किसी भी लड़की की तरफ कोई कमेंट नहीं देता। इट्स वेरी, मैं समझता हूँ इतना विकसित देश और इतनी दुनिया वहाँ आती है, एक दिन के लाखों लाखों लोग वहाँ पे आते हैं, परंतु कभी भी ऐसा कोई, इतना सख्त लॉ है वहाँ का
तो हमें उन लाइन पे भी अपने सोलन को बनाना चाहिए। हमें बनाना चाहिए कि सोलन एक ऐसा आदर्श जगह बने जहाँ पे लोग आएँ, आराम से आएँ और विचरण करें, रहें और सब सुविधाओं का यहाँ निर्माण हो। इसी आशय से ये चिल्ड्रन पार्क को चाहता हूँ, एक अच्छा सा चिल्ड्रन पार्क बने। इसमें और भी यदि धन की कमी पड़ेगी वो भी दे दी जाएगी, परंतु तो इसको हमारी पूरा ध्यान दें। मैं समझता हूँ कि ऐसा मेरा विचार है, मैं सोचता हूँ पसंद टुडे। ओके, अच्छा आज वो तो मेरे को ऑफिस बनाएंगे, आज शायद दो दूर हटने कोई रास्ते का है शायद। उन्होंने अंकुश जी ने एक और जगह बताई थी मुझे ऊपर, आई थिंक अपने वार्ड नंबर 8 में थी शायद वो, जब जो जो 5 लाख लगा दी वो 10 में हाँ सॉरी 10 में। उनकी एक और रिक्वायरमेंट मुझे दिमाग में है, जहाँ बच्चे चलते थे उस तरफ से जो रास्ता आता है शांति तरफ से, उसमें रेलिंग पता नहीं अब लग गई या नहीं, बहुत पहले बच्चे वहाँ पे गिरे थे, वो लगनी चाहिए, उसको भी देखिएगा, तो वो भी हम आपका करेंगे। और एक आपने कहा नालियाँ ढकने का, कौन से वार्ड नंबर 7 में नालियाँ ढकने का, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ बहुत सी ऐसी नाली हैं अभी भी जिसमें सच में कवर करना बड़ा जरूरी है। बहुत सी जगहों में अभी तक नाली है जो कवर नहीं हुई, वो भी आप बता सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि सर ने जो है देखिए, जो कमेटी के काम होते हैं, नगर परिषद के काम होते हैं, नालियाँ ढकना, सीवरेज को दुरुस्त करना, नगर परिषद इतनी लाचार है और इतनी पता नहीं उनके अंदर सोच की क्या कमी है कि वो काम भी जो है इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की, कि नालियाँ ढकना और सीवरेज को दुरुस्त करने का काम भी विधायक निधि से किया जा रहा है। तो वार्ड नंबर 7 में भी सर ने पैसे दिए थे, आज उसका उद्घाटन है, सभी नालियों को अंडरग्राउंड कर दिया गया है, वहाँ पे जो है स्वच्छता के जो है सर ने बढ़ावा दिया है, लोग बहुत खुश हैं। आप लोग वहाँ जाइए, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, जो भूली नालियाँ गंदी नालियाँ थी वह सब ढक गई है। और कमेटी जो है माल रोड की भी जो है नालियाँ ढकने में जो है असफल रही है। इसके पश्चात एक शेरी गाँव को पैदल रास्ता जाता था, जहाँ पर एक एक डेढ़ डेढ़ फुट के भी जो थी वो पैड़ियाँ बनी हुई थी, बुजुर्गों को चढ़ने में उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो साहब ने उसका भी संज्ञान लिया और सर ने उसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई थी। आज आप वहाँ जाइए, वहाँ 6-6, 7-7 इंच की छोटी छोटी पौड़ियाँ एंड टाइलें लग के बहुत शानदार है, जिसका उद्घाटन भी आज सर करेंगे। डेलीवर्ड पब्लिक स्कूल चाइल्ड रोड कंडाघाट, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन, दी पासपोर्ट टू द फ्यूचर। हिमाचल की सुंदर वादियों में भारत की सबसे बड़ी कोएड स्कूल चेन, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टीचिंग विद स्मार्ट क्लासेस, डे बोर्डिंग एंड अपकमिंग हॉस्टल फैसिलिटी फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, एडमिशन ओपन फॉर प्री नर्सरी टू 8th। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आर अवेलेबल फ्रॉम शिमला, सोलन, चायल, शोघी एंड नियर बाय एरियाज। डेलीवर्ड पब्लिक स्कूल चाइल्ड रोड कंडाघाट, डिस्ट्रिक्ट सोलन। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9882040097 एंड 7559640097।